हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चटपटी रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकौड़े, क्रिस्पी और चटपटी, एकदम आसान तरीके से झटपट बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आलू के पकौड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और ये कैसे बनेगा। तो यहाँ मैंने दो आलू लिया है बड़े साइज का, इसका छिलका निकाल के इसे साफ से धो लिया है। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन के कुछ पत्ते, आप चाहे तो धनिया के पत्ते ले सकते हैं। थोड़े से अजवाइन लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, एक कटोरी बेसन, और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी, और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा पाउडर, आप चाहें तो साबुत जीरा डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और लाल मिर्च इसे मैंने कूटा है, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच ले लिया है लाल मिर्च कूटा हुआ, और यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च और लहसुन कूटा हुआ पिसा हुआ, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, तीखे के अनुसार मैंने यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है स्वादानुसार नमक। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के पकौड़े बनाना। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, घोल तैयार कर लेते हैं बेसन का। तो बेसन इसमें हम डाल देंगे, चावल का आटा डाल देते हैं। अगर आपको चावल का आटा नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप फूलने के लिए बेकिंग सोडा डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर क्रिस्पी चाहिए तो आप चावल का आटा थोड़ा सा मिला लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, और स्वादानुसार नमक, कुटा हुआ लाल मिर्च, आप चाहें तो ये डाल सकते हैं या नहीं आपके ऊपर है। और यहाँ पे मैंने तीखे के अनुसार हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट तैयार किया, ये भी हम डाल देंगे 1 चम्मच, जितना आपको तीखा पसंद है आप ले सकते हैं। सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन और लहसुन के पत्ते, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका घोल तैयार करेंगे। एक बार नहीं पानी डालना है, अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम घोल तैयार करेंगे, और एक भी गुठली नहीं होना चाहिए। ये देखिए अच्छे से हमारा घोल तैयार हो गया है, एकदम एक भी दाने जैसा नहीं है। ये देखिए अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, जितना हमें चाहिए उतना हो गया है मीडियम। अब हम इसमें गरम तेल 2-3 चम्मच डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में गरम तेल कर लिया है, अब हम इसमें से 2-3 चम्मच हम तेल डाल देंगे। मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं 4-5 मिनट के लिए, और आलू कट कर लेते हैं। तो आलू को हम पतले पतले आकार में कट करेंगे, ऐसे लंबे लंबे हाथों से, या चाहे तो आलू काटने वाले ब्लेडर है उससे आप कट कर सकते हैं। इस तरीके से कट करेंगे, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, नहीं तो पकने में दिक्कत होने लगेगी। तो इसी तरह हम सारे आलू कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरा कट कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं आलू को। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो बेसन हमारा अच्छे से फूट भी गया है और घुल भी गया है। तो ये देखिए इस तरह से हम करके फ्राई करेंगे लपेट के। तो तेल हमारा अच्छे से एकदम गर्म हो गया है, आँच को हम रखेंगे मीडियम, और इसमें हम एक एक आलू इस तरह डालते जाएंगे। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है, 1 मिनट तक हम पकाएंगे फिर पलट देंगे, गोल्डन कलर हो गया है। ये देखिए
अच्छे से धीमी आंच पे हम पकाएंगे। आज को हम धीमा कर देंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, पक रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है। इधर भी हम एक से आधा मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी जो बचा है इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने दूसरी बार डाला हुआ है, इसे भी हम उसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे आलू के पकौड़े बनके एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम टेस्टी बना है। आप इसे चाहे तो केचप के साथ या चाय के साथ या हरी चटनी के साथ आप अच्छे से खा सकते हैं, एकदम टेस्टी लगता है। हमने सर्व कर दिया है। चलिए दिखाते हैं कि आलू हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए अच्छे से एकदम हो गया है, अच्छे से एकदम हो गया है। हमारे आलू के पकौड़े अंदर से एकदम पक चुके हैं, दिखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप कभी भी बना के खा सकते हैं एकदम आसानी से, एकदम झटपट बनके रेडी हो गया है। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।